तो स्टार्ट करते हैं अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जिसमें KClO3 KCl हमें 3O2 दे रहा है और ये सैंपल 1.3 से रिलेटेड है। क्वेश्चन मैंने उल्टा कर दिए, जो क्वेश्चन था उसको फाइंड आउट करना है, और जो हमें फाइंड आउट करना था वो मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया। जैसे अगर आप देख रहे हो उसमें तो 3.6 × 10^24 मॉलिक्यूल्स आपने आपके आंसर में आ रहे होंगे, और आपको 490 ग्राम ऑफ KClO3 दिया होगा। तो और फिर मैंने उसकी एक्सटेंशन भी कर दी है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने इससे बनाए हैं, तो आपने फाइंड आउट करने हैं। कुछ मैं खुद कर लूँगा और कुछ आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही है। मैंने कहा है कि 3.6 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओ टू हमें प्रोड्यूस होते हैं, ओ टू हमें दिए हुए हैं, ओ टू के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपको याद हो उसमें मैंने मोल्स दिए थे, फिर दूसरे क्वेश्चन में मैंने मैस दिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें मैंने मॉलिक्यूल्स दिए और अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो वो कन्वर्जन जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मोल से डिफरेंट कन्वर्जन हम करेंगे, फिर मैस से डिफरेंट कन्वर्जन करेंगे, और फिर मॉलिक्यूल से, और लास्ट में वॉल्यूम से रिलेटेड अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में करेंगे। तो अभी हम मॉलिक्यूल से रिलेट करते हैं। तो हमें वो कह रहा है कि मोल ऑफ KClO3 फाइंड आउट करने, हमें अब रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है कि वो कितना यूज़ होना चाहिए कि ओ टू इतना प्रोड्यूस हो, इतने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो। इसी तरह मास ऑफ KClO3 कितना यूज़ होगा, मोल से मास फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह मोल ऑफ KCl कितना होगा कि ओ टू इतना प्रोड्यूस हो रहा था, KCl कितना प्रोड्यूस होगा फिर, ये हमें फाइंड करना है। इसी तरह मास ऑफ KCl फाइंड करना होगा, फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl फाइंड करना होगा। और यहाँ मैंने फॉर्मूला यूनिट लिखा है, मैं मॉलिक्यूल लिख सकता था या नहीं लिख सकता था, ये आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में कि KCl है। तो यहाँ मैं मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं कह रहा कि मॉलिक्यूल ऑफ KCl फाइंड करें, फॉर्मूला यूनिट क्यों कह रहा हूँ। इसी तरह आयनिक बॉन्ड ऑफ KCl फाइंड करें। अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरे पिछले चैप्टर 9th के या स्टोइकोमेट्री के पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता, बल्कि किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए मैं यहाँ फार्मूला यूनिट ऑफ KCl लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ ओ टू फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ ओ टू इतने मॉलिक्यूल ऑक्युपाई करेंगे जितने मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। इसी तरह बॉन्ड ऑफ ओ टू कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं ओ टू के बीच में, और फिर सारे इतने मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड होंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड कितने, पाई बॉन्ड कितने। और एक बच्चे ने या स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या बताए होंगे या नहीं बताएंगे। तो हमें नहीं बताए होंगे असल में, आप लोगों ने अभी शायद नहीं पढ़ा, फर्स्ट ईयर में हो, तो जब आप फोर्थ चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो तब आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी। अभी आप सिर्फ कैलकुलेशंस ही करो और जितना बताया जा रहा है तो उस पर फोकस करो। सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड जज करना या डिसाइड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो सब बच्चों के लिए कि जो कन्फ्यूज़ हो रहे हो सिग्मा या पाई बॉन्ड में, तो उनको भी मैं बता रहा हूँ कि सिग्मा पाई बॉन्ड में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इतना पता है कि जैसे ओ टू का स्ट्रक्चर है, तो ओ टू के स्ट्रक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि कितने बॉन्ड वो बनाता है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो ओ टू में दो बॉन्ड ही होते हैं, तो आगे फिर आपको कैलकुलेशन आसान होगी। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना मुश्किल है ही नहीं, और ना ही आपको बताया गया होगा क्वेश्चन में कि सिग्मा बॉन्ड इतने और पाई बॉन्ड इतने, कैसे वो बता सकते हैं जबकि आपको ऑलरेडी उस चैप्टर में समझा दिया गया होगा। तो मुख्तलिफ चैप्टरों को मिला के भी जब नस्ट और नॉम्स या किसी भी एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन बनते हैं, तो मुख्तलिफ चैप्टर को एक साथ मिला के कंसेप्ट आपको एमसीक्यू ट्रिकी बनाया जाता है। तो ये वही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका न्यूमेरिकल, के पहले हमें फाइंड करना है मोल ऑफ KClO3। तो मोल ऑफ ओ टू हमने जाहिर बात है पहले फाइंड करना होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से डायरेक्टली हम नहीं जा सकते। तो जो यहाँ रूल आपने फॉलो करना है वो रूल क्या फॉलो कि हम डायरेक्टली मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू से डायरेक्टली KClO3 को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जिसके मॉलिक्यूल दिए हुए हैं उस मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मोल में। उसी चूंकि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दिए हैं तो ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर लेंगे, और ऑक्सीजन ऑफ के मोल से मैं फाइंड कर लूंगा मोल ऑफ KClO3, क्योंकि क्वेश्चन KClO3 से रिलेटेड मांगा गया है। तो पहला कंसर्न हो जाएगा हमारा पूरा, जैसे हम मोल ऑफ KClO3 फाइंड कर रहे हैं, फिर मोल ऑफ KClO3 से हम मास ऑफ KClO3 फाइंड कर लेंगे। इसी तरह फिर मास ऑफ, मोल ऑफ KCl फाइंड करना है तो मोल ऑलरेडी हमें O2 के पता होंगे, तो हम मास ऑफ मोल ऑफ KCl फाइंड कर लेंगे रिलेट करके। इसी तरह मोल ऑफ KCl से हम मास ऑफ KCl भी फाइंड आउट
कर लेंगे। तो इस तरह की कन्वर्जन करनी है, ये रूल हमें फॉलो करना है कि हमें बेसिक यूनिट की तरफ जाना होता है, वो मोल होता है। और मैंने आपको कहा भी था कि जब आपको मॉलिक्यूल दिए होंगे, जब आपको मास दिया होगा, जब आपको वॉल्यूम दिया होगा, तो आपने पहले उसको बेसिक यूनिट में बदलना है। और बेसिक यूनिट क्या है, केमिस्ट्री की मोल है। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। पहले मोल ऑफ O2 फाइंड करें, तो आपके पास फार्मूला आता है गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आपके पास गिवन पार्टिकल्स कितने, 3.612 मल्टीप्लाई 10^24 डिवाइड कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके पास आंसर आता है 6 मोल ऑफ O2। तो पहला पार्ट आपने फाइंड कर लिया कि मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट कर दिया, मोल ऑफ O2 में। अब आपने मोल ऑफ O2 से क्या फाइंड आउट करने हैं, KClO3। तो मैंने आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज बताए हैं, लेकिन मैं ब्रुक का पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। और ब्रुक का पैटर्न यही है कि आप फॉर्मूला लगाएं, डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो डिजायर क्वांटिटी आपको क्या है, आपको चाहिए KClO3 के मोल्स, KClO3 के मोल्स चाहिए। आपको गिवन क्वांटिटी क्या है, मोल ऑफ O2 है, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। ऐसा कन्वर्जन फैक्टर करना है कि आपके पास यूनिट कैंसिल हो जाए और नई यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। नई यूनिट हमें क्या चाहिए, KClO3। तो आप वो वाला कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करें जिसमें टू मोल ऑफ KClO3 ऊपर यूज़ हों और 3 मोल ऑफ O2 नीचे यूज़ हों, ताकि आपके पास मोल ऑफ O2 मोल ऑफ O2 से कैंसिल हो जाए, 3 6 के साथ कैंसिल हो के यहाँ आंसर दे 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें 4 मोल ऑफ KClO3। तो हमारे पास 4 मोल ऑफ KClO3 का आंसर हो गया। मतलब पहला आंसर हमने निकाल दिया कि मोल ऑफ KClO3 कितने प्रोड्यूस होंगे, 4 मोल प्रोड्यूस होंगे। थोड़ा अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि स्पीड कम रखूँ, लेकिन आदत ऐसी है, इसीलिए प्रॉब्लम भी होती है वीडियो बनाते हुए। 4 मोल ऑफ KClO3, 4 मोल ऑफ KClO3 हमारे पास पहला आंसर आया जो हमें रिक्वायर्ड था। मास में कैसे बदलेंगे, तो हम मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर दें, तो आपके पास आएगा 4 मोल आपके पास KClO3 के हैं। मोलर मास ऑफ KClO3 आपके पास कैसे आएगा, कि अगर आप K का मास देखें, मोलर मास या एटॉमिक मास, वो 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और आपके पास 3 ऑक्सीजन है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो आपके पास आंसर आता है 122.5 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास आप फॉर्मूले से निकाल देंगे, मोल आपके पास हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, 490 ग्राम आपके पास आंसर आएगा। तो अगर आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हैं और मेरी तरह समझने वाले हैं, तो शायद आपको समझ आ जाएगी कि 490 ग्राम जो है वो क्वेश्चन था, मतलब तो जो बुक में दिया हुआ है वो क्वेश्चन था, और आपके पास आंसर आया था मोल ऑफ O2, मॉलिक्यूल ऑफ O2, यानी जो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.612 मल्टीप्लाई 10^24, वो अब आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये आपको पता हो एटलीस्ट कि मैंने उल्टा कर दिया, मतलब उस क्वेश्चन को जो मांगा गया था उसको आंसर बनाया हुआ है, और जो आंसर है वो उनका क्वेश्चन है। और मोल ऑफ KCl कैसे फाइंड करते हैं, अब चूंकि मैंने यहाँ तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हमने कर लिया, तीसरा पार्ट मोल ऑफ KCl, ये भी वही कहानी होगी कि डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी, डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, जो फार्मूला यहाँ है। इसी तरह का फार्मूला आप KCl के लिए भी जाहिर बात है वैसा ही लगाएंगे जैसे आपने KClO3 के लिए लगाया है, तो फार्मूला तो सेम यूज़ होगा। आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी इस केस में KCl है, यहाँ आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी KClO3 थी। तो मोल ऑफ KCl इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, वो 6 मोल ऑफ O2 थे जो आपने फाइंड आउट किए हुए थे गिवन क्वांटिटी। और कन्वर्जन फैक्टर आप वो वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि दो कन्वर्जन फैक्टर बन सकते हैं इससे, कि 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दें या 3 डिवाइडेड बाय 2 कर दें। आप वो वाला यूज़ करें कि आंसर आपके पास कौन सा है, KCl की यूनिट का है। तो आपने 2 KCl डिवाइड बाय 3 मोल ऑफ O2 करने हैं, क्योंकि यहाँ मोल ऑफ O2 कैंसिल हो जाएंगे मोल ऑफ O2 के साथ, और 3 और 2 आपस में कैंसिल हो जाए, 3 और 6 आपस में कैंसिल होकर यहाँ 2 देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आंसर आएगा 4 मोल ऑफ KCl। तो दोनों के मोल सेम आंसर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में भी देखें, जब 2 मोल ऑफ KClO3 यूज़ होते हैं तो 2 मोल ऑफ KCl बनते हैं। तो जाहिर बात है जब 4 मोल ऑफ KClO3 यूज़ होंगे तो 4 मोल ही KCl के प्रोड्यूस होंगे। इस पॉइंट को आसानी से मैं यहाँ भी आंसर कर सकता था, लेकिन निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ रहा हो, हर पॉइंट हर एंगल से आपको समझ आ रही हो कि यार ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो चौथा पार्ट है मास ऑफ KCl, तो मास ऑफ KCl आपके पास क्या होगा, मास ऑफ KCl आप मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर देंगे, जैसे आपने यहाँ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास करके इसका मास निकाला था KClO3 का, तो 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास है
एम और स्मॉल एम भी लिखा जाता है, मोलर मास के लिए सिर्फ एम भी लिखा जाता है, तो ये भी आपको पता हो। 4 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास है केसीएल का, के का 39, सीएल का 35.5, तो आंसर आपके पास आता है 74.5, और टोटल आंसर आपके पास आता है मास ऑफ केसीएल का 298 ग्राम, या इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास फॉर्मूला मास भी है, लेकिन फॉर्मूला मास तो चूंकि एक पर्टिकुलर मोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ आप इसको जनरली मास ऑफ केसीएल ही कहें। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ O2 आप कहेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इवन बच्चे ये भी पूछ सकते हैं कि मैं वॉल्यूम ऑफ KCl भी कह सकता था, वॉल्यूम ऑफ KClO3 भी कह सकता था, तो वॉल्यूम उसका फाइंड किया जाता है जिसका हमारे पास क्या होता है, जो गैशियस फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ गैशियस फॉर्म में है, आपके पास KCl सॉलिड की फॉर्म में, KClO3 भी सॉलिड की फॉर्म में, तो इनके वॉल्यूम हम फाइंड आउट नहीं करते, हम उनके वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ O2 मांगा गया है। अच्छा, यहाँ बीच में मैंने फॉर्मूला यूनिट आयनिक बॉन्ड छोड़ दिया है, क्योंकि ये मैं बाद में कराता हूँ, जो आसान आसान वाले हैं वो पहले मैंने करा दिए हैं, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 के जाहिर बात है आपने वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ करना है मोल का, मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। तो हमें गिवन यानी हमें फाइंड करना है गिवन वॉल्यूम, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम करने के, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ये वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया हुआ है। तो 6 मोल्स थे हमारे पास O2 के, मल्टीप्लाई बाय 22.414, मोलर वॉल्यूम कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 134 आंसर आ जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। लास्ट में बॉन्ड ऑफ O2 फाइंड करने हैं, तो बॉन्ड ऑफ O2 हमें क्या करना पड़ेगा, कितने मॉलिक्यूल हमारे पास 3.612, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, इसीलिए मैंने पूरा आंसर निकाला नहीं है, सिर्फ मैंने बॉन्ड ऑफ O2 निकाले हैं, आपने सिग्मा और पाई निकालने हैं। तो 3.612 मल्टीप्लाई 10^24 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, और एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड्स होते हैं ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड होते हैं, ये O डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड होते हैं, दो, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो दो बॉन्ड्स हैं आपके पास, यानी टू बॉन्ड्स हैं आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल्स कितने हैं आपके पास, 3.612 मल्टीप्लाई 10^24 मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करने आपके पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आ जाएंगे, और सिग्मा बॉन्ड इसके हाफ होंगे और पाई बॉन्ड भी इसके क्या होंगे, हाफ होंगे। आपने खुद तो करना नहीं है, इसीलिए मुझे एंड में करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl और आयनिक बॉन्ड ऑफ KCl को इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको लिखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, खासतौर पर इन न्यूमेरिकल्स में, खुद सॉल्व कीजिए, वैसे तो आसान लग रहे होते हैं, सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम हो रही होती है। मैं ये दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कराता हूँ। तो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं मोल ऑफ KCl, फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl और आयनिक बॉन्ड ऑफ KCl। तो फॉर्मूला यूनिट ऑफ KCl के लिए एटलीस्ट आपको जो पिछला मैंने हम सॉल्व किया था, मोल ऑफ KCl फाइंड आउट किया था, वो आपको पता हो कि 4 मोल्स हैं, वहाँ से ही आप स्टार्ट करेंगे। फिर इसको आपको ये पता हो कि फॉर्मूला पार्टिकल्स वाला के मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला आपको पता हो, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, हमेशा ये गिवन नहीं होता लेकिन जनरली हम इसे लिख रहे होते हैं गिवन पार्टिकल। अब हमने ये गिवन पार्टिकल फाइंड करने हैं, तो ये गिवन पार्टिकल फाइंड करने के लिए, और गिवन पार्टिकल यहाँ क्या होंगे, चूंकि आयनिक कंपाउंड होगा तो यहाँ गिवन पार्टिकल की जगह आप लिखेंगे गिवन फार्मूला यूनिट्स। तो एवोगाड्रो नंबर आपको पता है, मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे किसके, KCl के। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ KCl हमने फाइंड करने हैं, किसके, KCl हमने फाइंड करने हैं। सॉरी मार्कर में इंक भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन एटलीस्ट आपको नज़र आ जाएगा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट KCl के हमने फाइंड करने हैं। तो 4 मोल हमारे पास हैं, मोल हमारे पास हैं, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको फार्मूला यूनिट मिल जाएगा। जिस तरह हम फार्मूला यूनिट फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे तो आपके पास फार्मूला यूनिट्स आ जाएंगे किसके, KCl के। तो ये आपके पास फार्मूला यूनिट्स है, इसीलिए मैं यहाँ फार्मूला यूनिट्स यूज़ कर रहा हूँ, मॉलिक्यूल नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि KCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन के लिए फार्मूला यूनिट यूज़ किया जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको। नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपको पहले KCl में देखना होगा कि KCl में कितने, एक KCl के यूनिट में कितने बॉन्ड होते हैं, तो एक K और Cl के बीच में जो आयनिक बॉन्ड होता है वो एक ही होता है, तो इसका मतलब अगर एक फार्मूला यूनिट में एक आयनिक बॉन्ड है तो इतने फार्मूला यूनिट में कितने आयनिक बॉन्ड होंगे, इतने तो आपको समझ आ रही होगी। एक बॉक्स में दो बॉल्स हैं तो दो बॉक्स में चार बॉल्स होंगी कि नहीं होंगी, तो यहाँ एक बॉक्स में एक ही बॉल है सपोज कर लें, तो इतने बॉक्स में कितनी बॉल्स होंगी, तो इतने ही बॉन्ड्स होंगे
या बॉल्स होंगे, तो ये आपको पता हो और यही जनरल कंसेप्ट है। मैंने मोल से रिलेटेड क्वेश्चन किया, मैंने मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन किया, मैंने मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन किया और उसको एक्सटेंड करता गया, डिफरेंट क्वेश्चन ऑपरेट किए। इसी तरह जो लास्ट पार्ट होगा मैं यहाँ वॉल्यूम लिखूंगा और उससे डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे। यही बेसिक कंसेप्ट है इस पूरे चैप्टर का। जो दो तीन टॉपिक्स रह गए हमारे पास वो शायद एक ही वीडियो में मैं कवर करूँ इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी कवर करूँगा, कल या परसों में उसको भी अपलोड कर देंगे। वो है परसेंटेज कंपोजिशन, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक एक क्वेश्चन उस पर ऑपरेट करूँगा और बहुत क्रिटिकल तरीके से ऑपरेट करूँगा ताकि वो आप किसी भी न्यूमेरिकल पे ऑपरेट करें आपको प्रॉब्लम ना हो। जब हम कहते हैं लास्ट में इस बात को भी आप ज़्यादा फोकस करें कि शेयर करें, लाइक करें, जितना आप मुझे ज़्यादा मोटिवेट रख सकेंगे मैं उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम कर सकूँगा। अभी भी वो 100% जितना मैं चाहता हूँ वो काम नहीं हो रहा, उसकी वजह यही है कि कम सपोर्ट मिल रही है। जितना आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव काम हो सकेगा और उतना आप लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा। जो देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।